नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्वीट CRM के बारे में जानेंगे। ये एक ओपन सोर्स CRM सॉफ्टवेयर है जो वाइडली पॉपुलर है मार्केट में। सेल्स मार्केटिंग सर्विस के लिए ये CRM यूज़ होता है और भी बहुत तरीके से इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये फुल्ली ओपन सोर्स है, तो आज इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे ये कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वीट CRM की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वो है sweetcrm.com। इसके अंदर आप जाएंगे तो स्वीट CRM के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप जान पाएंगे। इसमें आप बिल्ड रिलेशनशिप, मतलब अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप एंगेज कर पाएंगे, सेल्स को इंक्रीज कर पाएंगे, एंगेजमेंट, कस्टमर एंगेजमेंट आप इम्प्रूव कर पाएंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी आप इम्प्रूव कर पाएंगे, और ये बहुत तरह की और जो सर्विसेज है उसके साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है। ये आपका पेड ओपन सोर्स दोनों तरह से सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आप उनसे अगर सपोर्ट लेना चाहते हैं सपोर्ट भी ले सकते हैं, और अपने ऑन प्रमाइसेस आप इंस्टॉल करके भी अपने तरीके से इंस्टॉल यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसकी 4 बिलियन ऑलरेडी फैमिली मेम्बर है, जिसके अंदर इतनी कम्युनिटी मेम्बर है, इतनी बार डाउनलोड हो चुका है, इतना यूज़र्स है, ये सारे दिखा रहा है। ये आपका फोर्ब्स की बेस्ट 2022 का ओपन सोर्स CRM सॉफ्टवेयर का अवार्ड भी जीत चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा एक CRM सॉफ्टवेयर है। इसे आप यहाँ से डायरेक्टली डेमो भी देख सकते हैं, ऑनलाइन डेमो है। डेमो में जाएंगे, यहाँ पर आपको स्वीट CRM होस्टेड जो है स्वीट CRM 8 की जो वर्सन है उसे आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर एक्सेस डेमो करेंगे और इसकी यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वह है विल, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे यूज़र नेम पासवर्ड में, तो ये लॉगिन हो जाएगा। आप यहाँ पर लाइव व्यू इसका देख सकते हैं, ये कैसा है, कैसे देखने में है और किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर अकाउंट्स क्रिएट कर पाएंगे, कॉन्टैक्ट्स वगैरह क्रिएट कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटी, लीड्स, कोर्स, कैलेंडर्स एंड मोर, मेनी मोर। तो इसे हम लोग आज इंस्टॉल करेंगे हमारे लोकल कंप्यूटर में ओनली XAMPP के जरिए। तो हम लोगों ने ऑलरेडी XAMPP यहाँ पर इंस्टॉल करके रखे हैं। इसके अलावा हमारे HTDocs के अंदर मैंने स्वीट CRM की जो फाइल है वो मैंने डाउनलोड करके रखा है। आप डाउनलोड सेक्शन में जाके जो भी आपको स्वीट CRM जो वर्सन पसंद है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको सी ड्राइव के अंदर XAMPP के अंदर आना है, उसके अंदर आप HTDocs के अंदर एक फोल्डर के अंदर इसकी सारी फाइलें यहाँ पर पहले रखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो काम करेंगे वो है हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए लोकल होस्ट /phpMyAdmin में आप जाएंगे, उसके बाद यहाँ न्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, जैसे मुझे डेटाबेस का नाम देना है स्वीट CRM, मैं यहाँ पर क्रिएट बटन में क्लिक करूँगा, मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। जस्ट इसके बाद आपको स्वीट CRM की जो पाथ है उसे ब्राउज करना है, मतलब स्वीट CRM अपने HTDocs के अंदर स्वीट CRM फोल्डर के नाम से रखे हैं, तो यहाँ पर आपको उसको रन करना पड़ेगा अपने ब्राउज़र पे। localhost/sweetcrm जैसे ही आप यहाँ पर देंगे अपने पाथ के साथ localhost के बाद स्वीट CRM, मतलब स्वीट CRM आपकी जो है फोल्डर नेम है HTDocs के बाद, इसे आप देंगे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका install.php यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसे हम लोग एक एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये एनवायरनमेंट चेक करेगा कि PHP का कौन सा वर्जन है, क्या है, क्या आपको हैंडलिंग में कोई एरर है कि नहीं है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली डेटाबेस नेम स्वीट CRM आ रहा है, जो मैंने ऑलरेडी डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करके रखा है स्वीट CRM के नाम से, सेम नाम से ही। यहाँ पर होस्ट नेम लोकल होस्ट रहेगा, डेटाबेस का यूज़र एक्सेस रूट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर स्वीट CRM का एडमिन पासवर्ड यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, जिससे आप एडमिन अकाउंट से लॉगिन कर पाएंगे। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ देना है, इसके बाद चूज डेमो डेटा आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे क्या आपका डेमो डेटाबेस यहाँ पर जितना भी डेमो एंट्रीज है वो आपको एक बार मिल जाएगा। उसके बाद में चाहे तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। और भी सीनेरियोस वगैरह है, आप SMTP कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, अपने ब्रांडिंग वगैरह की लोगो वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लोकल टाइम जोन वगैरह यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। टाइम जोन मेरा जो है वो मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा एक बार। आप यहाँ पर करेंसी सिम्बॉल भी यहाँ पर दे सकते हैं, जो आपको करेंसी सिम्बॉल यहाँ चाहिए, बाई डिफॉल्ट डॉलर दिया हुआ है। डेट फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं,
यहाँ पर INR चूज़ करेंगे अगर आपको करेंसी वगैरह चेंज करना है यहाँ पर। इसके अलावा साइट की सिक्योरिटी सेटिंग वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, एडवांस डेटाबेस भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद तो इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। पहले ऑटोमेटिकली आपका डेटाबेस क्रिएट होगा। ये जो डेटाबेस है स्विच CRM, इसे अगर आप अभी रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि सारे टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है या PHP के लाइन नंबर जो आ रहा है उसके हिसाब से PHP की जो डॉक्यूमेंट्स है उसको देख के आप यहाँ पर इनेबल भी कर सकते हैं बाद में। फिलहाल इसमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन स्क्रीन में लेके जा रहा है, जिसके अंदर जो मैंने एडमिन पासवर्ड दिया था उससे एक बार लॉगिन करेंगे। ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। ये इसकी डैशबोर्ड है जिसके अंदर ऊपर की तरफ आपका मेनूज है, सेल्स मेनूज है, जिसके अंदर सेल्स का अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड्स है। मार्केटिंग के अंदर भी सेम तरीके से है, सपोर्ट के अंदर भी है। आप यहाँ से क्रिएट अकाउंट वगैरह कर सकते हैं, क्रिएट कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं, क्रिएट लीड्स वगैरह, अपॉर्चुनिटी या लीड्स वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके से टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, कॉल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत तरह की एक्टिविटी यहाँ मार्क करके रख सकते हैं। सपोर्ट सेक्शन में जा सकते हैं, मार्केटिंग का बहुत सारे कॉन्टैक्ट लीड्स वगैरह आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर जो डमी डेटा मैंने लोड किया है इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि बहुत तरह के लीड्स यहाँ पर, कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर जो है दिया हुआ है डेमो के लिए, वो आप देख के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ दाएं तरफ आपके कोने की तरफ एडमिन सेक्शन है, जिसके अंदर आप एडमिन में आएंगे तो एडमिन मैनेजमेंट का सारे सेटिंग्स यहाँ पर मिलेगा। यूज़र मैनेजमेंट से लेके रोल मैनेजमेंट, पासवर्ड मैनेजमेंट, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी सुइट्स, ग्रुप मैनेजमेंट, इसके अलावा सिस्टम की सेटिंग, PDF की सेटिंग, थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं आप, करेंसी वगैरह चेंज कर सकते हैं, बिजनेस आवर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, बहुत तरीके की एक्सटर्नल सेटिंग्स वगैरह दिया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ डेवलपर टूल वगैरह दिया हुआ है। कुछ अगर आपके पास गूगल सुइट है तो गूगल मैप्स, गूगल कैलेंडर से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप होम बटन में क्लिक करने से हमेशा डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में आपका जो है एक्टिविटीज़ एंड कॉल्स एंड मीटिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह यहाँ पर दिखा रहा है। नो डेटा आ रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर डेटा नहीं है, मैंने अभी डमी डेटा के साथ इसको चला रहा हूँ। इसके अलावा ईमेल कॉन्फ़िगरेशन बाकी है तो इसके लिए यहाँ पर पॉपअप दे रहा है कि ईमेल सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप जो है स्विच CRM की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं, कैसे इसको चलाना है, क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ क्या कौन सा अवेलेबल है। इसके अलावा इसकी ऑनलाइन डेमो भी अवेलेबल है, इसकी वेबसाइट है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सपोर्ट फोरम में भी सपोर्ट मांग सकते हैं। स्विच CRM अगर आपको पे करके लेना है तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन में आके स्विच CRM ऑनलाइन जो है आप ले भी सकते हैं, क्लाउड में होस्टेड करके ले सकते हैं या फिर ऑन प्रमाइसिस भी आप खरीद सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन लोगों से, कॉन्टैक्ट अस में जाके आपको प्राइसिंग वगैरह मिल जाएगा। अगर आप फ्रीली यूज़ करना चाहते हैं, ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स है, कोई चार्जेस नहीं पे होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड्स नंबर वन ओपन सोर्स CRM सॉफ्टवेयर, तो वर्ल्ड की ये नंबर वन ओपन सोर्स CRM सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली है और ये फ्रीली यूज़ होता है, जो आप फ्रीली यूज़ कर पाएंगे। बहुत तरह के आपका इंस्टॉलेशन अवेलेबल है। अगर आप स्विच CRM के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो बहुत सारे आपको गाइड वगैरह मिल जाएगा कि आप इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। अगर आप डाउनलोड सेक्शन में आएंगे इसका तो आपको दो वर्जन मिल रहा है। ऑलवेज रिकमेंडेड है कि वन स्टेप नीचे आप रहे, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इसे यूज़ करेंगे तो आप लेटेस्ट से बेटर है वन स्टेप नीचे रहे, ताकि वो बग फ्री आपका चलता रहे। इसके अलावा यहाँ पर हेल्प टॉपिक वगैरह दिया हुआ है। स्विच CRM कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, एंटरप्राइज सपोर्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है, यूज़र गाइड भी अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत सारे के डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन मैनुअल्स भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप बहुत तरह के तरीके से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स के सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक उबंटू वगैरह में भी आप इसे होस्ट कर सकते हैं, आप विंडोज़ में भी इसे ये होस्ट कर सकते हैं IIS के अंदर, या फिर आपके पास अगर सिंपली जैम सर्वर है विंडोज 10 मशीन में भी इसे आप होस्ट कर सकते हैं। तो स्विच CRM एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, आप इंस्टॉल करके इसे चेक करके देख सकते हैं या फिर ऑनलाइन डेमो में चेक करके देख सकते हैं। अगर आपका CRM या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की नीड्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी संस्था में, तो आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।